अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी की मुख्तसर सी तारीख जानिए। इब्राहिम रईसी एक कदामत पसंद ईरानी आलम और सियासतदान थे जो 2021 से ईरान के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। अब उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में जानिए। इब्राहिम रईस 14 दिसंबर 1960 को मशहद में पैदा हुए। उनके वालिद एक मौलवी थे। इब्राहिम रईस 5 साल के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इब्राहिम रईसी ने 15 साल की उम्र में इल्मी तालीम का आगाज़ किया। मशहद में इस्लामी कानून और फ़क़ह कम की तालीम हासिल की। तेहरान यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। अब हम उनके करियर के बारे में बात करेंगे। काराज और तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में बतौर एक्सिक्यूटर और जज खिदमत अंजाम दी। 1985 में तेहरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर पर तैनात हुए। 1999 से 1994 तक तेहरान के प्रोसिक्यूटर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 1994 में ईरान के जनरल इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मुकर्रर हुए। 2016 से 2019 तक एक ताकतवर मजहबी फाउंडेशन अस्तान कदस रजवी के चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। नाज़रीन, अब हम उनके सियासी करियर की बात करते हैं। 2017 में सदर के लिए इंतखाब लड़ा लेकिन हसन रूहानी से हार गए। 2019 में ईरान के चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर हुए। भारी अक्सरियत के साथ 2021 में ईरान के सदर मुंतखब हुए। अपनी सदारत के दौरान वो अपने सख्त गिर मौकफ और बड़े पैमाने पर एहतजाज के खिलाफ क्रैकडाउन में अपने किरदार के लिए जाने जाते थे। इब्राहिम रईसी एक नहायत बहादुर और निडर मुस्लिम लीडर रहे। इस्लामी असूलों पर सख्ती से अमल करने वाला और मगरबी असरात के मुखालफत के लिए जाने जाते वो अमेरिका और इसराइल के सख्त नाफिज रहे हैं। ख़ास तौर पर तेहरान के प्रोसिक्यूटर के तौर पर उनके दौर में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया गया था। इब्राहिम रईसी कदामत पसंद ईरानियों और मजहबी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मजबूत हमायत की बुनियाद थी। उन्हें ईरानी मीडिया ने असूल परस्त और इनकलाबी करार दिया। इब्राहिम रईसी एक हुनरमंद सियासतदान और स्ट्रैटेजिक मुफकर होने की शोहरत रखते। इब्राहिम रईसी इस्लामी असूलों पर सख्ती से अमल करने और अपने कदामत पसंद ख्यालात के लिए जाने जाते। एक सख्त गिर और मगरिब के सख्त नाकद होने की शोहरत रखते बहादुर मुस्लिम लीडर की इस्तलाह मोदोई है और इससे मुख्तलिफ अफराद और ग्रोह मुख्तलिफ अंदाज में समझ सकते हैं। मजीद बरा इब्राहिम रईसी की पॉलिसियाँ और इकदाम मुतनाज़ा रहे हैं और ईरान के अंदर और बाहर बहुत से लोगों ने उन पर तनकीद की थी। इब्राहिम रईसी को 1980 की दहाई की फांसी समेत इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के लिए अमेरिका ने पाबंदी आयद की थी। 1988 में हज़ारों सियासी कैदियों को फांसी देने में उनके किरदार के लिए उन्हें तेहरान का कसाब भी कहा जाता था। इब्राहिम रईसी 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर के हादसे में वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान समेत कई दीगर आला हकाम के साथ शहीद हो गए। वफात के वक्त उनकी उम्र 63 बरस थी।